फैक्ट नंबर वन, दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर सोने का व्यापार होता है। दुबई में काफी सारी मशहूर जगह हैं जहाँ पर सोने का व्यापार होता है, जैसे सिटी ऑफ गोल्ड, जहाँ पर कई सारी छोटी बड़ी दुकानें हैं और यहाँ पर दूसरे देश से आए हुए लोग यहाँ पर सोना खरीदते हैं। यहाँ पर हर एक दुकानों पर भारी मात्रा पे सोना रखा रहता है। यहाँ पर सोना 24 कैरेट गोल्ड का शुद्धतापूर्ण सोना मिलता है। फैक्ट नंबर टू, दुबई की बढ़ती हुई इनकम सोने के व्यापार से काफी ज्यादा होता है। अगर आपको यहाँ सोना तो आप सभी को अपने देश में ले जाना है, तो आप सभी मेल पैसेंजरों को जो वहाँ एक साल से रह रहे हैं यहाँ से 20 ग्राम सोना ले जा सकते हैं और इनकी कीमत 50,000 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से टैक्स फ्री सोना ले जा सकते हैं। और वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाएं यहाँ से 40 ग्राम सोना ले जा सकती हैं जिनकी कीमत 1,00,000 हो, और वह यहाँ से बिना टैक्स के ले जा सकती हैं। और ये नियम बच्चों पर भी लागू होते हैं। अगर आपको यहाँ पर नियम के अनुसार ज्यादा सोना ले जाना है, जैसे 1 किलो या 2 किलो, आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, यहाँ पर इतना सस्ता सोना क्यों मिलता है? सभी सोना 24 कैरेट शुद्धता व गुणवत्ता के तौर पर मिला जाता है। यहाँ पर सारे सोने प्योर गोल्ड 24 कैरेट का मिलता है। यहाँ पर बाहर से कई सारे लोग यहाँ पर सोना खरीदने आते हैं। दुबई मुख्य तौर पर सोने का ज्वेलरी बनाता है और दूसरे देशों पर बेचता है, जैसे चाइना, भारत। और यहाँ पर सोना सस्ते होने की वजह, यहाँ पर सोने में VAT टैक्स और सेल टैक्स नहीं लगाया जाता, इसलिए यहाँ पर पर्यटक यहाँ से सोना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। फैक्ट जान के आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।